गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स एज यू नो यर वी स्टार्ट योर न्यू चैप्टर विच इज़ मल्टीप्लीकेशन कल हमने मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड हमने कुछ बेसिक पढ़ा था और कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी थी आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ठीक है तो और आज ही हम आपकी टू और थ्री से रिलेटेड इसमें टेबल बनाना सीखेंगे तो इस तरीके से आप टेबल भी इनका इजीली uh, बना पाओगे कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम कैसे uh, टेबल बनाते हैं तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ़ द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी डन किया गया है तो किस तरीके से किया गया है वो देखते हैं ठीक है जैसे यहाँ देखो टू प्लस टू प्लस टू कितने टाइम्स ऐड किया गया है टू को थ्री टाइम्स वन टू थ्री और इसने क्या लिखा इक्वल टू में यानी थ्री टाइम्स जब आप इस टू को ऐड करते हो तो क्या आ रहा है आपके पास सिक्स देखो थ्री टाइम्स टू को ऐड करके देख लो वन टू वन टू वन टू थ्री टाइम्स हमें टू को ऐड करना है तो हम इन सब लाइंस को एक साथ काउंट कर लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स आया आपका ठीक है इसका मतलब यहाँ हम किसको ऐड कर रहे हैं टू को ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कितने टाइम्स ऐड कर, कर रहे हैं वन टू थ्री टाइम्स ऐड करें तो टू मल्टीप्लाई थ्री करोगे तो टू थ्रीजा भी आपका कितना होता है सिक्स होता है ठीक है तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है ओके अब इधर देखो ये तो सारे आपकी एडिशन वाली फॉर्म दे रखी है और अपने को मल्टीप्लाई वाली फॉर्म लिखनी है तो फर्स्ट सेकेंड uh, वाला देखो थ्री प्लस थ्री इक्वल टू कितना लिख रखा है इसने सिक्स लिखा है तो आपको पता है इधर मल्टीप्लाई में आप कैसे लिखोगे थ्री ठीक है क्योंकि हम किसको ऐड कर रहे हैं थ्री को ऐड कर रहे हैं थ्री मल्टीप्लाई कितनी बार ऐड कर रहे हैं वन टू टू बार ऐड कर रहे हैं टू बार थ्री है हमारा यहाँ पे तो थ्री टू जा कितना हो जाएगा आपका सिक्स यही मैंने यहाँ लिखा है देखो तो जो नंबर को आप ऐड कर रहे हो वो और कितने टाइम्स आप उसको ऐड कर रहे हो वो उनको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है आपको ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट देखो थ्री को कितने टाइम्स ऐड कर रखा है वन टू थ्री फोर टाइम्स ऐड कर रखा है और कितना है आपका ट्वेल्व यानी थ्री को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व तो यहाँ भी वही है थ्री फोर जा ट्वेल्व इसी तरीके से नेक्स्ट देखो टू को कितनी टाइम्स ऐड किया है वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स ऐड किया है यानी टू को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो टू फाइव जो हमारा कितना आएगा टेन आएगा तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट फोर का देखो फोर को कितने टाइम्स ऐड कर रखा है वन टू टाइम्स यानी फोर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर टू जो क्या होता है एट ठीक है ये आ गया नेक्स्ट देखो फोर को कितने टाइम्स ऐड किया है वन टू थ्री फोर फोर को कितने टाइम ऐड किया है फोर तो फोर टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर फोर जा कितना होगा सिक्सटीन तो ये आ जाएगा सिक्सटीन ओके okay? इस तरीके से आपको ये करना है नेक्स्ट उसी तरीके से देखो थ्री को कितने टाइम्स ऐड कर रखा है वन टू थ्री फोर फाइव किस को ऐड किया है थ्री को कितने टाइम फाइव टाइम तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव करोगे तो आपका कितना आएगा फिफ्टीन आएगा यही फिफ्टीन यहाँ है इसी तरीके से नेक्स्ट देखो फाइव फाइव को कितने टाइम ऐड कर रखा है वन टू थ्री फोर इसका मतलब फाइव को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे फोर से तो फाइव फोर जो कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा यही हमें ये लिखना है यानी जिस नंबर को हम जितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं उतने टाइम्स ही उसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा इसी तरीके से नेक्स्ट देखो फोर को कितने टाइम ऐड किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम यानी फोर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे से multiply six तो फोर सिक्स कितना होता है ट्वेंटी फोर होता है यहाँ भी यही लिखा है हमने इसी तरीके से नेक्स्ट आपका फाइव वाला देखो फाइव कितने टाइम है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स एड है इसका मतलब फाइव को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स टाइम तो फाइव सिक्स कितना होता है थर्टी यहाँ भी वही थर्टी है इसी तरीके से टू को देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टू को कितने टाइम्स ऐड किया सेवन टाइम्स तो टू को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेवन टाइम्स और टू सेवन जो कितना होता है फोर्टीन होता है ठीक है यहाँ पे भी यही है इसी तरीके से थ्री का देख लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री को कितने टाइम्स सेवन टाइम्स ऐड किया तो सेवन थ्री सेवन जो कितना होता है ट्वेंटी वन होता है यही यहाँ पे आंसर आया इसी तरीके से आपका ये टू दे रखे टू और फाइव का एडिशन टू का कितने टाइम्स दे रखे यहाँ नाइन टाइम्स है तो टू का हम नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा एटीन आएगा वही मैंने लिखा है इसी तरीके से यहाँ फाइव को कितने टाइम्स दे रखा है सेवन टाइम्स तो फाइव कम सेवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा थर्टी फाइव आएगा यानी जिस नंबर को हम जितने टाइम्स तक ऐड कर रहे हैं उतने ही टाइम्स हमें क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा अब हम मल्टीप्लेस मल्टीप्लीकेशन से हम टेबल बनाना सीखते हैं कि हम टेबल किस तरीके से लिखेंगे तो देखो ये तो यहाँ एक पिक्चर्स दे रखी है इनमें आप काउंट करके लिख सकते हो ठीक है बस हमें मल्टीप्लाई से सीखना है तो अभी जैसे मैंने बताया टू टेकन वन टाइम्स यानी टू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वन से कितना आया टू आया फिर टू को हम मल्टीप्लाई किसके टेबल बोल रहे हैं हम टू की पहले हम टू की टेबल लिखना सीख रहे हैं टू की टेबल बोल रहे हैं है. है, तो आपको पता है कि टू का मल्टीप्लाई करना है हमें हर जगह और कितने टाइम्स तक करते हैं हम टेन टाइम तक करते हैं यानी हर नंबर को हम कितने टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे टेन टाइम्स तो टू को हम वन से मल्टीप्लाई किया फिर टू से करेंगे टू को हमने टू से मल्टीप्लाई किया फिर अब टू को हम थ्री से करेंगे फिर टू को हम करेंगे फोर से टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से फिर सिक्स से करेंगे फिर सेवन से करेंगे टू को मल्टीप्लाई करेंगे एट से और फिर टू को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन से और फिर टू को मल्टीप्लाई करेंगे टेन से किसकी टेबल बोल रहे हैं हम टू की टेबल लिखना चाह रहे हैं तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम किस टाइम कितने टाइम्स तक टेन टाइम्स तक ठीक है तो टू टेकन वन टाइम यानी टू को हमने मल्टीप्लाई किया वन तक तो टू वन या टू होता है आपका टू टेकन टू टाइम्स यानी टू को हम टू टाइम्स एड कर दें यानी टू को हम टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या आएगा फोर आएगा इसी तरीके से टू टेकन थ्री टाइम्स यानी टू को अगर हम थ्री टाइम्स लें देखो फर्स्ट टाइम तो हमने क्या लिया ओनली वन टाइम लिया तो टू रखा सेकेंड टाइम हमने टू प्लस टू किया क्योंकि हमें टू टाइम्स तक बोलना है फिर थ्री टाइम्स तक बोलना है तो टू को हम थ्री टाइम्स ऐड करेंगे फिर फोर टाइम्स बोलना है तो टू को हम फोर टाइम्स ऐड करेंगे इसी तरीके से आगे चलते हुए जाना है तो टू को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे थ्री से क्योंकि थ्री टाइम ले रहे हैं तो टू थ्री होता है सिक्स टू को हमने यहां कितने टाइम्स लिया फोर टाइम्स तो टू को हमने मल्टीप्लाई किया किससे फोर से तो टू फोर जा कितना हो गया आपका एट हो गया इसी तरीके से इसने क्या बोला टू टेकन फाइव टाइम्स यानी टू को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप फाइव टाइम टू थ्री फोर फाइव जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका कितना आता है टेन तो टू को मल्टीप्लाई करते हैं हम फाइव इन टू फाइव जा कितना होता है टेन इसी तरीके से टू सिक्स जा तो टू को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा ट्वेल्व और फिर टू सेवन जा टू को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फोर्टीन और फिर उसको एट टाइम्स लिया गया है यानी टू को हमने एट टाइम ऐड किया यानी एट टाइम ऐड करके हम टू को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा सिक्सटीन आएगा इसी तरीके से टू को अगर हम नाइन से नाइन टाइम्स ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है एटीन यानी टू को हम नाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा एटीन आएगा इसी तरीके से टू को हम लास्ट कितने टाइम्स तक ऐड करेंगे टेन टाइम्स तक ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा ट्वेंटी और टू को हमने अगर टेन से मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आया ट्वेंटी तो इस तरीके से आपकी ये क्या बन जाएगी टेबल बन जाएगी देखो टू वन जा टू 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 जॉ फोर टू थ्री जा सिक्स टू फोर जा एट टू फाइव जा टिक्स जा फोटी ट्वेल्व टू सेवन जा फोर्टीन टू एट जा सिक्सटीन टू नाइन जा एटीन और टू टेन जा ट्वेंटी ओके तो ये आपकी टू की टेबल है तो ये तो थी आपकी टू की टेबल अब हम थ्री की टेबल पढ़ते हैं. थ्री की टेबल भी इसी तरीके से करनी है कि थ्री को हमने वन टाइम्स लिया यानी थ्री को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया थ्री आया थ्री को हमने टू टाइम्स लिया यानी थ्री को हमने टू से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सिक्स आया थ्री को हमने थ्री टाइम्स लिया ठीक है तो थ्री को हमने थ्री से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया नाइन फिर थ्री को हमने कितने टाइम लिया फोर टाइम देखो पहले वन टाइम लेना है फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट फिर नाइन और टेन यानी वन से लेकर के टेन तक आपको क्या करना है वन से टेन टाइम्स तक आपको काउंट करना है उसको तो थ्री को हमने फोर टाइम्स लिया तो थ्री फोर जा कितना हो गया ट्वेल्व थ्री को हमने फाइव टाइम लिया तो कितना हो गया थ्री फाइव जहाँ फिफ्टीन थ्री को हमने सिक्स टाइम्स लिया तो थ्री सिक्स जा कितना हो गया एटीन और थ्री को हमने सेवन टाइम लिया तो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री को हमने एट टाइम्स लिया यानी थ्री एट जा ट्वेंटी फोर थ्री को हमने नाइन टाइम्स लिया यानी थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री को हमने टेन टाइम्स लिया तो थ्री टेन जा थर्टी तो इस तरीके से आपको ये थ्री की टेबल देखनी है और इसी तरीके से कल हम आपकी फ़ोर और फाइव की टेबल भी लर्न करना सीखेंगे कि इस तरीके से करना है ठीक है और इससे रिलेटेड मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं तो वो क्वेश्चन भी कम्प्लीट करेंगे तब तो तक आप इन टेबल्स को इस तरीके से बनाना सीखना और मल्टीप्लाई करना सीखना और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय टेक केयर